हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में तीसरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला भी हम बनाएंगे। किसमें से? परसेंटेज कंपोजिशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है और उसका कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे। अब की बार एक एक करके स्टेप वाइज एक एक टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, पहले ये जान लेते हैं। और एक होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि उसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे मान लो H2O की हम बात करें, तो ये क्या कह रहा है, ये कंपाउंड है, इसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है, H2O2। क्या कह रहा है, इसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं, दो एटम ऑक्सीजन के हैं, C6H12O6। छह एटम्स कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम ऑक्सीजन के। वेरी नाइस। ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताए जाते हैं उनके एलिमेंट्स के, जो कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स है जिससे वो कंपाउंड बना है। इंपेरिकल फॉर्मूला दूसरी तरफ क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो, वो सिंपलेस्ट रेशियो जिसमें वो एलिमेंट्स इसमें हैं। जैसे वाटर में, इसमें तो अब हम और कुछ कर नहीं सकते, यही इंपेरिकल फॉर्मूला और यही मॉलिक्यूलर। यहां पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल होल रेशियो HO। रेशियो क्या है, 1:1, एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का, रेशियो, एग्जैक्ट एटम्स नहीं। जैसे इसका ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें हमने कहा कि 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के, एग्जैक्ट नंबर है। लेकिन इसी को अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, CH2O। ये कंपाउंड नहीं बताएगा आपको, इस तरह के फॉर्मूला के और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन इससे हमें ये नहीं मालूम कि हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में जुड़े हुए हैं, 1:2, 2:2, ऑक्सीजन का जीरो लिख दिया मैंने, 1:2, 2:1, ये इस रेशियो में ये जुड़े हुए हैं। मतलब सिंपलेस्ट होल रेशियो बताता है किसी भी कंपाउंड का। अब यहां पे इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो कैसे करें, मान लीजिए आप लोगों का CBSE का ये क्वेश्चन है, उसको लेती हूँ मैं, उसके फ्रैक्शंस को इग्नोर कर रही हूँ सो दैट कैलकुलेशंस आसान हो जाए। फ्रैक्शंस अगर होते हैं थोड़ा बहुत में आसान हो जाएगी, लेकिन कई बार जो है हम हमेशा फ्रैक्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपल बनाने के लिए एक बार इग्नोर करके मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आप फ्रैक्शंस वाले भी सॉल्व करेंगे। एक आप लोगों का है, मान लो इसमें ना क्या दिया हुआ होता है कि आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी, ये बताया जाएगा कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड है और उसमें इन एलिमेंट्स की ये परसेंटेज कंपोजिशन है, फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेरी नाइस। जैसे आप लोगों की CBSE में एक बुक है, उसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। कार्बन आई सपोज 24 point something है, मैं खाली 24 ले लेती हूँ अभी फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस। हाइड्रोजन का 4 point something है, मैं 4 ले लेती हूँ। क्लोरीन का 71 point something है, मैं 71 ले रही हूँ। ये मेरे ख्याल से टोटल 99 हो रहा है, 99%। अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे ना सारे एलिमेंट्स की तो वो 100% आनी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे परसेंटेज डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर किया है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस अभी के लिए। हमेशा आप लोग कैलकुलेट इग्नोर करके नहीं करेंगे। और इसका मोलर मास मेरे ख्याल से करीब करीब 99 के आसपास उन्होंने दे रखा है, मोलर मास करीब करीब 99 ग्राम दे रखा है, इसको अभी नहीं छेड़ते।
देखो ये टेबुलर फॉर्म में बना करके करोगे तो बहुत आसानी से इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे, बस आपको ये इंफॉर्मेशन है कि ये परसेंटेज कंपोजिशन है पर्टिकुलर एलिमेंट्स की और इस परसेंटेज कंपोजिशन से आपको इसका फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला में हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो से फॉर एग्जाम्पल ये C6H12O6, अगर मैं इनको मोल्स या मोलिक्यूल्स दोनों की भाषा में बोलूं तो ये क्या होगा, 6 एटम 12 एटम और 6 एटम। लेकिन अगर मैं मोल्स में ले आऊं तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन, 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टोइकोमेट्री होती है, हम लोग देखते हैं कैलकुलेट करते हैं मोल्स में, मोलिक्यूल्स में, एटम्स में, वॉल्यूम में, मास में, कैसे भी कर सकते हैं। इसका मास भी निकाल सकते हैं, कितना मास है कार्बन का, 12 6 78 ग्राम कार्बन है, कितना है इसमें 12 ग्राम हाइड्रोजन है, 96 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ऐसे हम मास में भी निकाल सकते हैं। तो हमें मोल्स अगर पता चल जाएं, तो मोल्स पता चल जाएंगे तो हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं और वो भी रेशियो में, सिंपल रेशियो में। तो सबसे पहले मोल्स निकालने के लिए आप लोगों को याद होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास तो हम लोगों को हर एक कंपाउंड का मालूम है। कार्बन का मोलर मास क्या होता है हमें मालूम है, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है हमें मालूम है, क्लोरीन का हमें मालूम है। अगर हमें कहीं से गिवन मास पता चल जाए तो चल जाएगा, चलो लेट द कंपाउंड बी 100 ग्राम। अगर कंपाउंड 100 ग्राम है तो ये परसेंटेज क्या हो जाएगी, ग्राम। देखो इसका टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं, पहले मुझे जगह चाहिएगी। टेबल बनाएंगे एलिमेंट, एलिमेंट आपके पास कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। दूसरा हम लोग इसका कॉलम बनाएंगे, परसेंटेज कार्बन कितनी थी 24%, हाइड्रोजन है आपका 4%, क्लोरीन आपका 71%। फिर हम इसको मास में कन्वर्ट करेंगे क्या करके, लेट द कंपाउंड बी 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम है तो मास कितना हो जाएगा इसका, 24 ग्राम हो जाएगा, इसका 4 ग्राम हो जाएगा, इसका 71 ग्राम हो जाएगा। अब अगला कॉलम हमारा क्या होगा, अगला कॉलम होगा हमें चाहिए मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना हो गया 24 ग्राम, मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 मोल्स, राइट। हाइड्रोजन का निकालेंगे तो गिवन मास 4 और मोलर मास 1, कितना हो गया नंबर ऑफ मोल्स 4 आ गए, 71। क्लोरीन का गिवन मास और मोलर मास 35.5, कितना आ गया 2 आ गया, है ना। देखो हमारे पास अब आ गया नंबर ऑफ मोल्स। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो में मोल्स को लाना, हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए हम लोग ये देखेंगे हमारे पास 3 मोल आ गए ना, 2 4 2, जो सबसे छोटा मोल है उससे सबको डिवाइड कर दो बिना ये सोचे हुए कि फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें तो हम लेके ही सिंपल चले तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। सबसे छोटा क्या है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास क्या आ गया 1 2 1, बस बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। कार्बन के कितने मोल्स हैं 1, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं 2, क्लोरीन के कितने मोल्स हैं, ये आ गया आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला, वेरी सिंपल। क्या कॉलम्स बनाएंगे, पहले एलिमेंट, देन परसेंटेज एंड देन लेट द कंपाउंड बी 100 ग्राम्स। तो मास कितना हो जाएगा, जो परसेंटेज साइन था उसकी जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। देन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, आगे नंबर ऑफ मोल्स। अगला, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो एलिमेंट्स का किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, मोलर मोलिकुलर फॉर्मूला इसी से कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको क्या गिवन होना चाहिए, वैसे तो हम लोगों का सिंपल रेशियो कन्वर्ट करने से पहले जो आया था ना उससे भी मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाता है, बट आपको गिवन क्या है, मोलर मास यहाँ पे गिवन है करीब करीब 99 है आई सपोज, इतना याद आ रहा है मुझे, फिर भी देखते हैं।
एन कैलकुलेट करना है इसमें, और एन जो फैक्टर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना गिवन है आपका 99 ग्राम। इंपेरिकल फॉर्मूला मास इससे कैलकुलेट कर लो कितना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया 12 और 2 49.5 राइट। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया 49.5। अब ये देखो रफली कितना आ रहा है, करीब करीब 2 आ जाएगा, ये रफली करीब करीब 2 आ गया। हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, सी एच टू सी एल, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन कितना आ गया 2 से, तो क्या हो जाएगा ये सी टू एच फोर सी एल टू, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया है। अब एक हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक में से ही है, जिसमें हम फ्रैक्शंस में इसको कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे कैलकुलेट करें। एक एग्जांपल और कराती हूँ फिर आप लोगों की आज की मैं छुट्टी कर दूंगी, ठीक है। एक कंपाउंड है ऑक्साइड ऑफ आयरन है, जिसमें आयरन की कुछ परसेंटेज गिवन है और जिसमें आपको ऑक्सीजन की कुछ परसेंटेज गिवन है। आयरन की जहां तक ध्यान आ रहा है 69.9% आयरन है और ऑक्सीजन एटम, ठीक है। कई एनसीईआरटी की बुक्स में ना डाई ऑक्सीजन मेंशन है। बेटा कभी भी हम मॉलिक्यूल का परसेंटेज नहीं देते हैं, हम परसेंटेज किसकी देते हैं, एटम की देते हैं, तो हम लोगों ने वो एटम भी लेना मिसप्रिंटेड है। 30.1 आई सपोज यही है, ये परसेंटेज कंपोजिशन है आयरन की और ऑक्सीजन की। एक आयरन ऑक्साइड है, इसका आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। फिर से भाई एलिमेंट कौन से हैं, आयरन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। एलिमेंट के बाद आ गया आपका परसेंटेज, इसकी कितनी है 69.9% और ऑक्सीजन की है 30.1%। मास, लेट द कंपाउंड बी 100 ग्राम, तो ये कितना हो गया 69.9% और ऑक्सीजन कितना हो गया 30.1 ग्राम। अब परसेंटेज की जगह क्या हो गया, ये ग्राम में आ गया, राइट। अगला काम क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, 69.9% डिवाइडेड बाय 56 आयरन का मोलर मास होता है, 30.1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16 है, करीब करीब आ जाएगा इसका ये 1.2 और ये आ जाएगा 1.8 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब अगला काम हमने नहीं देखना है फ्रैक्शन में आया है किस में आया है। अब मेरे पास ना कॉलम बनाने की जगह कम है, मैं यही सिंपल में कन्वर्ट कर देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हम देखते हैं कि दोनों में सबसे छोटा कौन सा है 1.2, तो इसको 1.2 से और इसको भी 1.2 से डिवाइड कर दो। हम बाद में देखेंगे फ्रैक्शन में आया कि नहीं आया, पहले तो कर देंगे ये कितना आ गया, ये 1 आ गया और ये आ गया 1.5। अब हम फॉर्मूला तो ऐसा नहीं लिख सकते 1 और 1.5 में, सिंपलेस्ट रेशियो हमारा आ गया। अब इसको किसमें कर ले, सिंपलेस्ट होल रेशियो में, दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये भी होल रेशियो आ जाए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी ये आ गया 3 और ये आ गया 2। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो Fe2O3, क्लियर हुआ। एक बार फिर मैं इसी क्वेश्चन को आप लोगों को समझा देती हूँ। क्या कह रहा है ये कि एक ऑक्साइड है, आयरन की एक ऑक्साइड है, यानी कि आयरन और ऑक्सीजन, देखो आयरन हमेशा Fe2O3 नहीं है, FeO भी होता है, तो दोनों में उसकी परसेंटेज कंपोजिशन अलग अलग होगी।
वो ये कह रहा है कि आयरन की एक ऑक्साइड है जिसमें आयरन की परसेंटेज कंपोजिशन 69.9% है और ऑक्सीजन की परसेंटेज 30.1% है, और परसेंट मतलब लेट द कंपाउंड बी 100 ग्राम. अगर 100 ग्राम है तो उसमें 69.9 ग्राम आयरन है और 30.1 ग्राम ऑक्सीजन है. तो हमने फिर से वही कॉलम बनाया. पहला कॉलम एलिमेंट का, दो ही एलिमेंट है आयरन और ऑक्सीजन, परसेंटेज लिख ली कितनी गिवन है. लेट द कंपाउंड बी 100 ग्राम, 69.9 ग्राम, 30.1 ग्राम. हमें चाहिए क्या फॉर्मूला बनाने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स. हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास. आयरन का मोलर मास 56 होता है, गिवन मास कितना हो गया 69.9 ग्राम. ऑक्सीजन का 30.1 डिवाइडेड बाय 16, ध्यान रहे 32 नहीं, तुम्हारी बुक में कई एनसीईआरटी की बुक्स में ये डाई ऑक्सीजन लिखा हुआ है जो कि गलत है. डाई ऑक्सीजन होते ही आप 32 से डिवाइड करोगे एंड डाई ऑक्सीजन इज नॉट एटम, एलिमेंट नहीं है, वो मॉलिक्यूल है. और परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा एलिमेंट का गिवन होता है, मॉलिक्यूल का नहीं गिवन होता. हम एक एटम का निकालते हैं उसमें. तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ पे 1.2 आ गए आयरन के और 1.8 आ गया ऑक्सीजन का. अगला स्टेप हमें करना होता है उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है बिना देखे हुए कि वो फ्रैक्शन में आ रहा है या किस में आ रहा है. और उसका क्या मतलब होता है, जो मोल्स सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दो. यहाँ पे तो दो ही एलिमेंट थे तो छोटा क्या था 1.2, 1.2 से दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये तो आ गया 1 और ये आ गया 1.5. अब इस कदम पे आने के बाद पहले वाले इक्वेशन में तो हमें यही फ्रैक्शन होल नंबर में मिल गया था, हमने फॉर्मूला बना दिया. लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद अगर हमारे को फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है. क्या किया, दोनों को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों ही होल नंबर में आए. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या आया हमारा Fe2O3. तो इसी उसके साथ मैं अपनी ये वाली वीडियो भी कंक्लूड करती हूँ. अब तक मैं आप लोगों को 11th की 3 वीडियोस दे चुकी हूँ. पहली है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की, दूसरी हमने बात की परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स की, तीसरी हमने बात की एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की. अगली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है जिसमें मैं आप लोगों के साथ कंसेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करूंगी, मोलैलिटी मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करना है, और वो एक सुपर 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए. तो स्टे ट्यून. अगर आप 100 on 100 कमाना चाहते हैं अपने बोर्ड्स में, एक एक पॉइंट को डेली कवर करते हुए चलना है आप लोगों ने, किसी पे भी ढील नहीं देनी है, तब तक आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और एग्जांपल सॉल्व कीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला के. मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो बनाती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय.